कांग्रेस ने सत्ता भूख के लिए, सत्ता हथियाने के लिए एक नई भाषा बोलना शुरू किया है, नई बातें बोलना शुरू किया है। आजकल क्या कह रहे हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं जरा पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने इनको वाक्य लिख करके दिया है, उसने सोचा है क्या, जब तुम कह रहे हो तो कांग्रेस की मूलभूत नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हो। जब आप कहते हो जितनी आबादी उतना हक, इसका मतलब ये हुआ कि अब कांग्रेस घोषणा करे क्या आप अल्पसंख्यकों के विरोधी है क्या, कांग्रेस स्पष्ट करे आप दक्षिण भारत के विरोधी है क्या। मैं सिद्ध करता हूं उनकी ये नई सोच दक्षिण भारत के साथ घोर अन्याय करने वाली सोच है। ये नई सोच माइनॉरिटी के पीठ में भी चूरा भोंकने वाली सोच है। आजकल देश में अगले डिलिमिटेशन की चर्चा हो रही है। आपको मालूम है ना, 25 साल के बाद पार्लियामेंट की सीटें कितनी होगी, कौन सी क्या होगी, इसका निर्णय जुडिशरी करती है। और उसके कारण जहां जनसंख्या कम है उसकी सीटें कम हो जाती है, जहां जनसंख्या ज्यादा है उनकी सीटें बढ़ जाती है। अब हमारे दक्षिण भारत के सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने में बहुत बड़ी देश की मदद की है। अब कांग्रेस का नारा ऐसा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इसका मतलब अब कांग्रेस दक्षिण भारत के संसद सदस्यों की संख्या कम करने का नाटक करने जा रही है, खेल खेलने जा रही है। क्या दक्षिण भारत इसको स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस की चाल को स्वीकार करेगा? क्या दक्षिण भारत कांग्रेस को माफ करेगा? इसी विषय पर मैं कांग्रेस के नेताओं को साफ कहता हूं, देश को मूर्ख मत बनाओ, स्पष्ट करो क्या कारण है दक्षिण भारत के राज्यों को अन्याय करने के खेल खेले जा रहे हैं। और इंडी गठबंधन के दूसरे दलों से भी मैं कहूंगा, हिम्मत है तो जरा कांग्रेस से पूछिए कि वो किस रास्ते पर जा रही है। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं, जो कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, मैं कांग्रेस को सवाल पूछता हूं, साउथ के अंदर खास करके तमिलनाडु में मंदिरों पर सरकार का हक है, सरकार ने कब्जा कर लिया है, मंदिरों की संपत्ति को सरकारी मिलीभगत में हड़प किया जा रहा है, मंदिरों को तो लूटा जा रहा है, मंदिरों को तो कब्जा किया गया है, लेकिन माइनॉरिटी के पूजा स्थल को हाथ नहीं लगाते हैं, सरकार के नियंत्रण में नहीं लेते हैं। अब कांग्रेस ने जो नारा दिया है, कांग्रेस ने कहा है कि जितनी आबादी उतना हक, अगर यही आपका मंत्र है, यही आपका सिद्धांत है, तो क्या माइनॉरिटी के जितने पूजा स्थल है उनको ये दक्षिण के आपके सारे साथी जब्त करेंगे क्या, उनका कब्जा करेंगे क्या, उनकी प्रॉपर्टी को दे लोगों के काम में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। मैं दूसरा सवाल पूछता हूं कांग्रेस को, ये जो नारा देते हैं तो क्या कांग्रेस और उसके साथी खास करके तमिलनाडु, क्या वो वहां हिंदू मंदिरों को जो कब्जा किया जा रहा है, हस्तक्षेप किया जा रहा है, दक्षिण के अधिकतम राज्यों में यही खेल चला है,
जब आप कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो क्या ये हक हिंदुओं को आप वापस देंगे क्या? जवाब दीजिए। ये झूठी बातें मत करिए, लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलना बंद कर दीजिए।